तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी तो उस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। और आज हमने बहुत सारे कपड़े धोए, देख सकते हैं। तो आज काफ़ी घर का काम करा है और हमारी नानी आई हुई है, थोड़ा उस वजह से भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक है। और आज उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ उनके में लगे रहे और थोड़ा सा उनकी तबीयत ज़्यादा दिक्कतें थी, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हम अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में और कुछ सामान वामान हमें लेने जाना है, क्योंकि नानी की तबीयत ठीक नहीं। जैसे कि आप मेरी देख सकते हैं, नानी बैठी हुई हैं सामने, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी दवा थोड़ी लेने जानी है। और थोड़ा सा उनके लिए दही है, मूंग की दाल है, थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो उस हिसाब से हल्का खाना बनाना है। तो अभी हम निकलेंगे बाहर। तो अम्मा, तबीयत ठीक लग रही? ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए थे मार्केट में और भैया आए हमारे पास, इनके पास हमेशा हम खाते हैं मोमोज हैं, फिंगर है, तो भैया के पास आए हुए हैं। तो मोमोज कितनी देर लगाओ? तो मतलब अभी मोमोज देख सकते हो, यहाँ पे फिंगर सीख रहे हैं और यहाँ पे ये क्या होता है, ये रोल है। अच्छा अच्छा, तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाते हैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, यहाँ घर में बहुत सारा काम करना पड़ा। तो यहाँ से कुछ खा के फिर नानी के लिए लेना है हमें दही और मूंग की दाल की, उनकी खिचड़ी बनेगी, डॉक्टर ने बताया है। तो यहाँ से फिनिश करके और जो भी घर का सामान लेना है, उसके बाद फिर घर चलते हैं। और फिर आपको आज हम खाना बनाएंगे, वो भी हम आपको अपने ब्लॉग में दिखाएंगे। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू आप सभी लोग बने रहे, और आज ये एक फैमिली ब्लॉग होने वाला है, इतना समझ लो आप। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे मोमोज की प्लेट लग चुकी है और भाई की दुकान पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं खाने के लिए। तो जल्दी इनको फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं थोड़ा और मार्केट में। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मैसेनी चौराहे पे और देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है, ट्रक निकल रहे हैं। और ये हाईवे हम लोग का, यहाँ पे अब हाईवे निकल रहा है, पहले एक मेन रोड थी, अब हाईवे हो रहा है। और इधर देख सकते दुकान है भैया से, तो हमने ऑर्डर दे दिया अपना मूंग की दाल का, दही का। तो अभी वो अक्टूनी दुकान निकालेंगे और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। और इधर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ चल रही है। तो दोस्तों, अभी आ चुके हैं घर पे और घर पे आने के बाद नानी को दिया है हमने दही। तो अम्मा, अच्छा लग रहा दही? तो नानी की तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए नानी को दिया है दही। और अभी बनाएंगे हम खिचड़ी और मूंग की दाल की, तो वो भी देना है। और देख सकते हैं सामने का मौसम, तो अभी भी धूप बहुत तेज नहीं है, मतलब धूप तो नहीं है, मतलब मौसम है, अंधेरा नहीं हुआ हमारे यहाँ। आप लोग के यहाँ अगर इस टाइम अंधेरा हो गया हो तो बताइए। और अभी हमारे यहाँ हो रहा है 5:30 बजे, इस टाइप को उजाला है, देख सकते हैं। और ये हमारे यहाँ का हर श्रृंगार का पेड़ है जो हमारे घर पे लगा है। इधर देखते हैं पपीते के पेड़ लगे हुए हैं, इधर देखे नीम है, बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं। और घर पे हम आ चुके हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेने के बाद फिर जाएंगे किचन में। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं किचन में और देख सकते हैं हमने मूंग की दाल और चावल दोनों धो लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हम कढ़ाई में कुकर में तेल डाल दिया है और अभी हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल की खिचड़ी, क्योंकि नानी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। और एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि मेरे 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही की वजह से ये सारा कुछ संभव हो सका है। आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ नहीं है। और तो दोस्तों, अभी खाना बना लें, खाना बना फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ब्लॉग में आज सभी लोग मेरे बने रहे। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने भाई की शॉप पे, जो कि बाल काटने की शॉप है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक शेविंग की दुकान है। और हम शेविंग करा चुके हैं और कैसे लग रहे हैं तो आप लोग बताइए। और ये है मेरा भाई पीछे, और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है, और एक छोटा भाई इधर भी है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे बड़ी खुशी का राज ये है, और खुशी की बात है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसकी खुशी मैं आपसे लोगों से बयान नहीं कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे 25,000 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से हुए हैं। और आप, अगर मेरी YouTube फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि बहुत जल्द मेरे 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट आप ही लोग करा सकते हैं। और अपने भाई को, बेटे को, जो भी आप मुझे मानते हैं, दोस्त भाई जो भी अपना मानते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग भाई छोटे मुझसे हैं, तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि देखिए बिना किसी सपोर्ट के हम लोग कुछ भी नहीं है। और मेरे 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे, तो थोड़ा घर के घरेलू प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हम ज्यादा ब्लॉग डाल ही नहीं पा रहे हैं, और ये ब्लॉग दूसरे दिन का है। तो दोस्तों, 4-5 दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा है, थोड़ी सी हमारे घर में थोड़ी टेंशन चल रही है, नानी को लेकर उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है।
और बस दोस्तों ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और मैं जल्द से जल्द आप लोगों को अच्छे से अच्छे ब्लॉग देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा घर में यह प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी इस वजह से इतना हम डिफिकल्टी इसमें जी रहे थे, लेकिन आज से कुछ अच्छा लग रहा है। मेरी नानी की तबीयत भी ठीक है और बहुत मतलब रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो अब आपके जो ब्लॉग्स आएंगे वो कंटिन्यू हम देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बार बार आपसे वादा करता हूँ और नहीं पूरा कर रहा, लेकिन अब हम कोशिश यही करेंगे कि रेगुलर बेस पे आपको ब्लॉग देते रहें। और तो ये 25,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, तो वो कह रहे हैं ठीक है सेलिब्रेशन करो, तो वो एक दो दिन में सेलिब्रेशन करेंगे तो उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। और अगर हमारा ब्लॉग लेट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी YouTube फैमिली मुझे माफ कर देगी। तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना सपोर्ट ना खत्म करें। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। मेरे दोस्त मेरे चैनल पे हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।